हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आज आईटीआई का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो निमी पैटर्न पर आधारित है वो आपके सामने बताऊंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले में से क्वेश्चन है। चलो तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहला दिया हुआ है, रोम का विस्तार क्या है? रोम का विस्तार आपको पता ही होगा, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी इसमें का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। WAN का विस्तार क्या है? ये WAN का विस्तार होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी इसमें का सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टाटा क्वेश्चन है, SMS लैंग्वेज में एंड्रॉस ASAP का क्या अर्थ होता है? इसका आपको पता ही होगा, एस सुन एस पॉसिबल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें का राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, सेलेक्ट ऑल कमांड के लिए एक शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? ये कंप्यूटर वालों को तो पता ही होगा, जिसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पेस्ट कमांड के लिए एक शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए पेस्ट कुंजी के लिए शॉर्टकट हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, कंट्रोल प्लस वी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सॉरी दोस्तों, थोड़ा टच में प्रॉब्लम आ गया था, इधर उधर चला जाता है ना थोड़ी सी देर में। चलो स्टार्ट करते हैं छठवां क्वेश्चन। फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम का सेल एड्रेस क्या होता है? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फोर। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं दोस्तों। विंडोज में नए बनाए गए फोल्डर का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? ये डिफ़ॉल्ट नाम को पता ही होगा, सबसे पहले तो डिफ़ॉल्ट नाम होता है न्यू फोल्डर, जिसे हम क्रेडिट करके फिर से नया नाम देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नवा क्वेश्चन है, कौन सा स्टोरेज क्वेश्चन किए हैं? FYI SMS का विस्तार क्या होता है? इसका मतलब आपको पता ही होगा फुल फॉर्म। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो आपको तो पता ही होगा कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर। दूसरा क्वेश्चन, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नुकसान कौन सा है? सोशल है इसका नशा करना, एक प्रकार का नशा करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। सभी डिलीटेड कई फाइलें कहाँ संग्रहित की जाती हैं? आपको तो पता ही होगा कि सभी डिलीटेड फाइल रिसाइकल बिन में स्टोर किया जाता है, जिसे हम फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेलीफोन लाइन को PC से जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता ही होगा ऑप्शन नंबर ए मॉडेम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूचना सुरक्षा कौन सा नहीं है? इसमें आपको पूछ रहे हैं सूचना का सुरक्षा कौन सा नहीं है, किसी को भी पासवर्ड ना बताएं। अगर पासवर्ड आप लोग बता देते हो तो ये आपके लिए हानि हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा साइबर अपराध है? साइबर अपराध है ऑनलाइन जुआ। आपको पता ही होगा ऑनलाइन जुआ साइबर अपराध में आता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 15वां, कौन सा एक फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडोज के साथ आता है?
विंडो के साथ कौन सा आता है दोस्तों, आपको पता होगा, आप पढ़े ही होंगे, विंडो एक्सप्लोरर ऑप्शन नंबर बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, सर्च इंजन कौन सा है, आपको पता ही होगा सर्च इंजन जिसे हम लोग कुछ भी डायल करते हैं, कुछ भी ढूंढना रहता है, सर्च करना रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गूगल, राइट आंसर गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, ये आपको तो पता ही होगा, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, और ऐसे बहुत से हैं जो सोशल नेटवर्किंग साइट में आता है, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी फेसबुक, इसके ऑप्शन नंबर बी फेसबुक इंस्टाग्राम भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेब ब्राउजर कौन सा है, वेब ब्राउजर कौन सा है, तो पता ही होगा वेब ब्राउजर इंटरनेट से चलता है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इनपुट डिवाइस कौन सा है, इनपुट डिवाइस आपको पता है जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक है, आउटपुट बोले तो प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है, देखिए पिछले पहले मैं बोला था वही सेम है, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर है, प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है, हम एमएस वर्ड में टाइप करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए इसमें पूछ रहे हैं आपको एटीएम के बारे में, ठीक है, एटीएम के बारे में पूछ रहा है, देखना, आप एटीएम से 5 रुपये निकालते हैं और एटीएम आपको 5,000 देती है, तो निम्नलिखित में से नैतिक रूप से सही होगा, ए बोल रहा है, तो कई लोग तो होंगे ही जो पैसे ले लेगा चले जाएगा, एटीएम के पास पैसे तो कोई गिराएगा नहीं, ठीक है, गरीबों को तो कोई बांटेगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए शिकायत बहुत लोग नहीं करेंगे पता है, लेकिन तो इसे शिकायत करना ज़रूरी होता है, ऑप्शन नंबर ए शिकायत दर्ज करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, कंप्यूटर नेटवर्क जो क्षेत्रीय राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र को फैलाता है उसे खाली सेन कहा जाता है, आपको पता ही होगा, जो गांव तक सीमित रहता है उसे LAN बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, और क्षेत्रीय मतलब विस्तार रूप से आगे बढ़ते हैं उसको बोलते हैं WAN वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक्सेल एक्सेल में किसी पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को खाली स्थान कहा जाता है, तो आपको पता ही होगा ऑप्शन नंबर ए सेल कहा जाता है, जो ग्रुप में होता है सेल, सेल ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को, सीपीयू में खाली स्थान होते हैं, देखिए सीपीयू में पूछ रहे हैं यहाँ पर, सीपीयू नियंत्रण इकाई और LAU ये तो होता ही नहीं, आउटपुट और इनपुट डिवाइस और कंट्रोल यूनिट मतलब सीपीयू होते हैं नियंत्रण इकाई, मतलब पूरा जो सीपीयू जिसे वो कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए नियंत्रण इकाई और LAU इसमें सब चीज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सीपीयू का अर्थ होता है, आपको पता ही होगा सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क का प्रकार का उपयोग किया जाता है, मैंने बोला था पहले ऊपर में, छोटी दूरी के लिए क्षेत्रीय हो गया और गांव जैसे कि छोटे एरिया, उसके लिए LAN लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता ईमेल पता कहां से जोड़ेंगे, जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं, ईमेल की कॉपी भेजने के लिए हमको CC का प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए इसमें पूछ लेगा एक बाइट और एक बीट, पूछ लेगा एक बाइट बराबर होता है 8 बिट्स और इसी को उल्टा पूछ लेगा 8 बिट्स बराबर क्या होता है, तो 1 बाइट्स होता है, 1 बाइट्स।
ठीक है दोस्तों, ध्यान देना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में खाली स्थान होते हैं, तो आपको पता ही होगा कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रहता है जिसे हम लोग काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसे कहा जाता है, आपको पता ही होगा जो एंटीवायरस के रूप में रहते हैं उसको वायरस कहते हैं, जिसे एंटीवायरस डाला जाता है। वैसे बहुत से हैं एंटीवायरस जिसे कंप्यूटर में डाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोलने और एक्सचेंज करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन खाली स्थान कहलाता है, आपको पता ही होगा वेब ब्राउजर, ऑप्शन नंबर ए वेब ब्राउजर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को खाली स्थान कहा जाता है, जैसे ऊपर में बताया मैं साइबर अपराध बोलते हैं उसको इंटरनेट से करते हैं, उसी प्रकार इंटरनेट वही सेम उल्टा पूछ लिया गया यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें का सही हो जाएगा, साइबर अपराध। ध्यान देना इसको, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एसएमएस एक्सेल में वर्कशीट का संग्रह खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है वर्क बुक से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एमएस एक्सेल में सेल में एक सूत्र सम्मिलित करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर खाली स्थान के साथ प्रविष्ट शुरू करनी चाहिए, तो आपको पता ही होगा बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए बराबर, ठीक है, बराबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें पेट में कौन सा एक्सटेंशन खाली स्थान समर्थित नहीं है, तो आपको पता ही होगा जेपीजी ये तो है नहीं, गिफ्ट ये भी है नहीं, पीएनजी जो फोटो हम कहते हैं, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी डॉट डी ओ सी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अभिविन्यास में पाठ लंबाई के अनुसार मुद्रित होता है, तो इसमें होता है पोर्ट्रेट, मोबाइल में होता है, सब में होता है, ठीक है, तो पोर्ट्रेट ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किस अभिविन्यास में पाठ को चौड़ाई वार मुद्रित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा, लैंडस्केप, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी कमांड के लिए एक सार्थक कुंजी क्या है, सार्थक कुंजी होता है कंट्रोल प्लस सी, इसमें का सार्थक कुंजी होता है जो कि काफी से करते हैं, और कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट किया जाता है, ठीक है, और कंट्रोल प्लस ए से आल सेलेक्ट किया जाता है, बोले तो आल सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट को ठीक है, कंट्रोल प्लस एक से क्या किया जाता है, इसे किया जाता है कट किया जाता है डायरेक्टली भेजने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शॉर्टकट तो आप लोग ध्यान देना ही, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। कट कमांड के लिए एक शॉर्टकट कुंजी क्या है, देखिए शॉर्टकट के लिए मैंने बोला था ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्रामों को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उन्हें खाली स्थान कहा जाता है, देखो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वायरस ही बोलते हैं, ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट स्प्रेडशीट को खाली स्थान एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है, तो इसके डॉट xls ऑप्शन नंबर ए इसके साथ सेव किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो LA का विस्तार रूप लोकल एरिया नेटवर्क, बताया हूँ पहले, ध्यान देना इसको, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम का विस्तार रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपको पता ही होगा सभी लोग आजकल डिजिटल हो गए हैं, ठीक, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कम उत्पादकता के लिए के कारण खाली स्थान है, कम उत्पादकता के लिए क्या चीज़ है, कारण क्या है उसका, प्रति व्यक्ति जीडीपी में कमी, मतलब जीडीपी एक प्रकार का क्या है, जीडीपी एक प्रकार का जनगणना जैसे है, ठीक है, सभी के लिए ये जीडीपी लागू होता है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पाद को खालिस्तान के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये आपको पता ही होगा। उत्पाद को खालिस्तान के रूप में किया जाता है, आउटपुट और इनपुट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय द्वारा उनके ग्राहक की पहचान को सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया खालिस्तान है, ये आपको पता ही होगा। बिना KYC के आजकल ज़्यादा जैसे फ़ोनपे पेटीएम KYC में जरूरी होता है ज़्यादा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, KYC मानदंडों की पूर्ति के लिए इनमें से कौन सा दस्तावेज स्वीकार्य नहीं है, कौन सा दस्तावेज स्वीकार नहीं है? आय प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसमें का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चरण में तीव्र राजस्व वृद्धि की अवधि है, किस चरण में? वृद्धि चरण में, ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट, स्वचालन का क्या फायदा है, स्वचालन का फायदा है ऑपरेशन का समय कम कर दिया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सातवां देख लेते हैं, बेरोजगारी दर क्या है, अगर श्रम बाल में 125 मिलियन लोग हैं, 100 मिलियन लोग कार्यरत हैं और 25 मिलियन नहीं, इसका परसेंटेज पूछ लिया गया है, यहाँ पर 20% होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बाजार वास्तविक मजदूरी और रोजगार निर्धारित करता है, इसको ध्यान देना है, श्रम बाजार ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATM का उपयोग करने के दौरान ग्राहक को खालिस्तान दर्जा करके प्रमाणीकरण प्रदान किया जाता है, आपको पता ही होगा। ATM घुसाते हैं, ठीक है, उसके बाद पिन अपना 4 डिजिट का होता है, उसे डायल करते हैं, ठीक है, उसमें डालते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा, पिन, ठीक। देख लीजिए, एक्सपेंशन ऑफ ATM इज पूछ रहे हैं यहाँ पर, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, मतलब ATM का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बार बार पूछे वाले जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। पूरे देश या क्षेत्र को आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मैंने बताया था पहले GDP वाले क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो इसमें GDP का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध जोखिम की श्रेणी नहीं है, तो शुद्ध जोखिम की श्रेणी कौन सी नहीं है? प्रौद्योगिकी जोखिम, ठीक है, जो प्राइवेसी, ठीक है, टेक्नोलॉजी रिक्स जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं है, आपको पता ही होगा, उत्पाद की उच्च लागत ऑप्शन नंबर बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। कि वे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाने वाले में से क्वेश्चन है, ठीक है, ऑल क्वेश्चन IMP है, कृपया ध्यान देना, ठीक है, बार बार सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए सेम है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना इसको, बहुत मुश्किल से इसको ढूंढ के लाया हूँ, ठीक है, चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट बार फिर से नया वीडियो लाऊंगा। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है।